सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हमारे पास दो प्यारी सी बाइक्स, ये है होंडा सीबी 300F और इधर खड़ी है बजाज पल्सर N250। तो दोनों की पावर फिगर की बात करते हैं। तो इसके पावर की बात करें, इसमें 24.5 PS की पावर आती है एंड 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। बाकी इसकी बात करें तो इसमें भी 24.5 PS की पावर एंड 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। तो इस वीडियो में दोनों की करने वाले हैं लॉन्ग रेस, देखते हैं कि कौन सी बाइक बेटर परफॉर्म करती है, कौन सी अच्छा इनिशियली पंच किसका अच्छा है किसका नहीं है, बाकी वो सब रेस में पता चलेगा आप लोगों को। तो रेस को पूरी ज़रूर देखिएगा, ये रेस इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो रेस को करते हैं शुरू और मैं चलाने जा रहा हूँ होंडा सीबी 300 एंड शुभम चलाने जा रहा है M250। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट होने, मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पर। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। चलो मिलते हैं बाइक पर। ये मैं निकल चुका हूँ आगे और हमारे पास है होंडा सीबी और ये तो हमको दूर दिखने वाले हैं नहीं भैया शुभम हमारे। जय बजरंगली, टक्कर तो दिया है मैंने पर ज्यादा नहीं दे पाया हूँ। अरे बदले मार रही, अरे भैया, अरे ये कैसे पॉसिबल है? ओम खो, अरे भाई पॉसिबल, ये 250 कैसे आगे निकल गई भैया? पांच गियर ही है इसमें और इसको मैंने किया है बीट। लॉन्चिंग मैटर करती है ब्रो, तो सही थी थोड़ा सा। चलो मैं करता हूँ स्लिपिंग थोड़ी सी। ये आप मिला है मौका मुझे ब्रेक ट्रिमिंग करके आगे निकलने का। जी हाँ, मैंने कहा था और मैंने सही कहा था, गलत मैं कहता नहीं हूँ। बस इसमें लिमिटर आएगा तभी इस गाड़ी की फट जाएगी 149। निकल रही है, ये देखो अब क्या होगा भाया। और एन कफ कम नहीं जाने मान, एन भी माता चीना कर पड़ी है पूरा, एन ने मचा दी है चटनी, चटा दी चटनी। अरे भाई ये तो निकल ही नहीं पा रही है, ये निकली थोड़ा सा आगे। हेड टू हेड। लेकिन सुनो, इसमें 30 PS की पावर है, 300 CC 30 PS की पावर वर्थ नहीं है, है ना? बस वो देख रहे हो भाई, पांच गियर है इसमें, पांच गियर वही मैं कह रहा हूँ, इसमें छे भाई
शायद चेक करो। सो फर्स्ट राउंड में ये रिजल्ट रहा, आप लोगों ने देखा कि इनिशियली थोड़ा सा अच्छा निकली, उसके बाद एंड निकलने लगी, फिर धीरे धीरे उसने कवर किया, कवर करते करते हेड टू हेड आई, लेकिन उसके आगे नहीं निकल पा रही है। इसकी टॉप 143 और ये समथिंग जा रही थी। तो अब राइडर करते हैं स्विच, मैं चलाने जा रहा हूँ एंड आई, सो सुबह चला ये क्या है, ये पता नहीं गलती छूट गया। तो सुबह चलाएंगे होंडा सीबी 300F, मैं चलाऊंगा एंड 250। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट होने वाला है, चलो। अरे भाई, ओहो क्या हुआ, लॉन्चिंग सही नहीं हो पा रही आजकल। अरे भैया, अरे भैया क्या पिकअप है, अरे भाई साहब गई, खत्म हो गई, आपकी खत्म कर दी मैंने लॉन्चिंग में ही। ओह ये क्या है भैया, होंडा सीबी निकल चुकी है आगे थोड़ा सा, और मेरे पास है 250। देखते हैं क्या कवर कर रही भाई, अरे ये कवर कर रही है इसको, ओफो सीबी 300 बेकार। ये देखो, ये देखो धूम धड़ाका, काम फड़ाका। अभी मैं पांचवें गियर तक ही हूँ, देखो कितना जा रही है पांचवें गियर में, 138 तक गई है पांचवें गियर में, सिक्स गियर मैंने डाल दिया है और एन भी आ रही है भाई, एन आ गई, काम खत्म करने इसका। ये देखो निकली है, अरे भैया एन निकली है इसके बगल से, और ये सर हमको थोड़ा सा मौका दे रहे थे, इसी मौके को मैं चौका मार दूंगा। देखते हैं ये कब तक चलने वाला है, स्पीडो इधर देखो भाई 148 चल रही है। अरे भाई ओहो क्या बात है भैया, क्या बात है, अरे भाई साहब, अरे भाई अब क्या होगा, अब होगा क्या यहाँ पे, लॉन्चिंग सही थी, लेकिन पता ही नहीं इसलिए थोड़ा ये थोड़ा अगर लॉन्ग खींची जाए तो अच्छा परफॉर्म करती है। सो ये था रिजल्ट, बाकी पावर के हिसाब से 24 पीएस की पावर दोनों में है, सिमिलर ही समथिंग परफॉर्म भी सही करती हैं, आगे पीछे 19-20 का फ़र्क है, बाकी समथिंग सिमिलर ही आप लोगों को रेस में देख के समझ आ ही गया होगा। तो इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन भी तोड़ डालो, घंटा बजा डालो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।